हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मेरा सुबह सुबह जो है ना पोपट हो गया। हम रात को मैं सो रहा था और अचानक से जो है ना एकदम बेड यूं गिरा नीचे, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे लगा जैसे भूकंप आ गया कि अरे यार दिल्ली में फिर दोबारा से भूकंप। लेकिन मैं उस टाइम पे समझ में नहीं आया क्योंकि रात को नींद में था। सुबह उठने के बाद जब मैंने देखा कि जो है ना बेड काफ़ी नीचे नीचे से लग रहा है, तो मैंने गद्दा उठाया और देखा कि भाई ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये पूरा बेड ना यहाँ से टूट गया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। कोई मेरा इतना ज़्यादा वेट तो है नहीं, हल्का फुल्का सा बंदा हूँ, लेकिन फिर ये टूट गया। तो भाई सब महंगाई में आटा गीले वाली बात हो गई। एक तो काम धंधा वैसे ही नहीं है, मार्केट इतनी स्लो चल रही है कि हद से ज़्यादा, आप सबको पता ही है। और मुझे किसी का सपोर्ट होता नहीं है, जो कुछ करना है वो मुझे अपने आप ही करना है। तो अब वही वाली बात है, एक तो गर्मी भी इतनी पड़ रही है, इतनी बाढ़ आई, इतनी बारिश हुई, इतना कुछ होने के बाद भी जो है गर्मी दिल्ली के अंदर में ऐसी हालत ख़राब हो रही है कि एक मिनट बैठ नहीं पाते हैं। अब मजबूरी है, क्या करें, कूलर भी काम नहीं कर रहा। अब हमारे छोटे यूट्यूबर की फरमाइश आई है कि डैडी एसी लगाओ, तो अब क्या करें। अब इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे पास में एक पुराना एसी कहीं रखा हुआ है, तो वहाँ से मैं उसको लाके और फिर अपने घर में यहाँ इस कमरे में मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। और प्लस अब ये भी खर्चा आया हुआ है, तो अब बेड बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, मैं कारपेंटर से बात करता हूँ और फिर जो जो सामान वो बोलेगा वो ला के फिर बनाते हैं इसको। सामान लेने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, तो इसलिए फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर नहा धो के हम निकलेंगे लकड़ी वाले के पास में, और फिर वहाँ से हम बोर्ड लेके आएंगे हमारे बेड बनाने के लिए। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है पराठा और एग, और साथ में ये है बूंदी। इसमें जो बूंदी है मीठे वाला, ये मैं सीआर पार्क से लाया था। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी होगी, मैं सीआर पार्क गया था, कुछ कुछ सामान वहाँ से मैं लेता रहता हूँ। तो अगर कभी आपको ये लगे कि सीआर पार्क में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस टाइप की स्वीट डिश मिलता है और भी क्या चीज़ें मिलती हैं, अगर आपको उसकी पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो गाइस, नहाना धोना हो गया है और अब मैं चलूँगा अपने बेड के लिए लकड़ी लेने। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि कोई अगर मैं अपने कमरे में एसी लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए वायरिंग करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले जाके मैं एक बार इलेक्ट्रिशियन देख लूँ, उसको लेके आऊँ और फिर मैं आगे दूसरे काम के लिए जाऊँ। ये वो जगह है जहाँ पर मुझे एसी लगाना है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बेड जो है वो मेरा यहाँ है, तो अगर मैं यहाँ एसी लगाऊं तो वो ज़्यादा इजी अच्छा रहेगा या यहाँ पे। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो गाइस, थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं कौन सी जगह पे एसी लगाऊं जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी अच्छा कूलिंग इफेक्ट दे। तो जो भी आपका सजेशन है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। जी भाई, यहाँ बैटन लगा के ऊपर चढ़ेगा और फिर वहाँ से यहाँ आएगा। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो चलो चलते हैं। दोपहर को मैं आया प्लाईवुड खरीदने के लिए, यहाँ से मैंने प्लाई ले लिया है और अब चलते हैं। ये है दिल्ली का सदर बाजार का इलाका, यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो रही है। हर तरह की चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, चाहे लकड़ी, चाहे घर का सामान, एवरीथिंग, जो मर्जी आप यहाँ से ले लो। बस आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ यहाँ से ले रहे हो, मसाला हो या कोई दूसरी आइटम हो, ऑन द डॉट बात कीजिए, अपना डिस्काउंट लीजिए और साथ में अपने साथ लेकर चले जाइए। मुझे देखो ये बुलेट वाले पता नहीं क्यों ये काम करते हैं। आज का दिन काफ़ी गर्म था,
और सदर बाजार से जब मैंने अपने लिए जो प्लाई वगैरह थी बेड की वो मैंने परचेज करी, तो उस टाइम पे आपने देखा ही था कितना रश था वहाँ पे। तो एनीवेज वहाँ से परचेजिंग करने के बाद मैं वापस आ गया था, और वापस आने के बाद गर्मी इतनी हो रही थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। इलेक्ट्रिशियन ने अपना सजेशन दिया जहाँ पे एसी लगाना चाहिए, उन्होंने वहाँ पे लगवा दिया, मतलब बता दिया कि यहाँ पे आप लगा लेना, तो अब एसी वहीं लगेगा। और लकड़ी जो है अभी तक मेरे पास आई नहीं है, क्योंकि जो लेकर आएंगे उन्होंने कहा कि अभी दिन में काफ़ी भीड़ होगी तो हम जा नहीं पाएंगे, तो वो सुबह आएंगे। तो अब सुबह जब आएंगे उसके बाद ही फिर मेरा कारपेंटर जो है वो आएगा और फिर वो अपना काम स्टार्ट करेगा। तो बाकी का अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और अब आपसे मैं कल मिलूँगा जब मेरा सामान आ जाएगा और मेरा कारपेंटर आके अपना काम स्टार्ट करेगा। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए